धूप में साया खुशियों का रास्ता था वो, नींद की चादर थी ख्वाबों का तकिया वो, सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो, ये कैसी मुश्किल है माँ। हम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बच्चे तो खेल कूद में गिरते रहते हैं, इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? अगर कुछ हो जाता तो क्या चाहते हो तुम? क्या चाहती हैं आप? मैं उन माँओं में से हो जाऊँ सिर्फ अपने आप पे तवज्जो देती हैं, बच्चों को पूछती भी नहीं? यार तुमने उसे देखा है, वो तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं करता, न खाता है न पीता है न सोता है, तुम्हारे पीछे पड़ा रहता है। हाँ? क्यों? आराम से करो। चक्कर आ गया मुझे, दोपहर सर में बहुत दर्द था, मुझे स्कूल ही नहीं जाना चाहिए था। डॉक्टर को फोन करो। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। पक्का? बिल्कुल ठीक हूँ। पानी पियोगी? सलीम बाबा। वलीद, वहां हमको होश आ गए। वलीद मेरी बात सुनो, तुम अंदर नहीं जा सकते। सॉरी सर, आप अंदर नहीं आ सकते, जांच नहीं है। हमारी वो अंदर है सर, लेकिन प्लीज आप अंदर नहीं आ सकते, जांच नहीं है। मेरी बीवी अंदर है, उन्हें कैंसर है, कमरे में। लेकिन सॉरी सर, आप प्लीज जा सकते हैं। आप डॉक्टर साहब को बुला लें। सर डॉक्टर साहब बिजी हैं, कुछ टेस्ट हो रहे हैं। तुम समझ रहे हो बात को? प्लीज इनके टेस्ट हो रहे हैं। मैं तो कमरे में तो जा सकता हूं ना। सॉरी सर, आप नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठ सकते भाई? सर सॉरी सॉरी सर, बिल्कुल प्लीज सर मैं हूं ना आपके पास। चलो अब लेट जाओ, सो जाओ, बहुत देर हो गई है। मामा नहीं आए? वो भी आ जाएंगे। डॉक्टर साहब देख रहे होंगे ना, आपको तो पता है उनकी तबीयत नहीं सही। बहुत देर हो गई। देर तो हो गई। मैंने पापा को भी फोन किया था, उसने फोन नहीं उठाया। मैंने भी किया था। आप सरमत अंकल को? मैंने उनको भी फोन किया था जान, ऑफ था, शायद उनकी बैटरी खत्म हो गई होगी। मैं भी दोबारा ट्राई करती हूँ। अच्छा बीबी जी, बाबा ने खाना भी नहीं खाया और केक भी नहीं। मीकू बेटा, दूध तो पी लो। शाबाश। कुछ नहीं पी लो। मीकू, मामा सुनेंगे तो कितनी नाराज होंगे।
आप ऐसा करो, आप दूध पियो और मैं सरमत को या आपके पापा को फोन करके पता करती हूँ क्या हुआ। अच्छा पापा, मैंने पूछ लिया है, वो अभी उसे चंद दिन और आईसीयू में रखेंगे। चले मैं आपको घर ले चलता हूँ। कैसे चली जाऊं घर बताओ, इस तरह से माम को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ मैं? पापा प्लीज आप चली जाओ, मुझे मीकू की भी फिक्र हो रही है। देखो मीकू बिल्कुल ठीक होगा, भली तुम मुझे ये बताओ कि माम कैसी है। क्या बताऊं मैं आप, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप घर चले जाएं, मीकू ने सबा को बेहाल कर दिया होगा, सुबह से पूछ के कि हम कहाँ हैं। मुझसे पूछेगा तो मैं क्या कहूँ, क्या बताऊंगी उसे मैं? पापा प्लीज, आप ही हैं सिर्फ हमारा सहारा और कोई नहीं है। ऐसे कैसे कोई जा सकता है अपना अपनों को छोड़कर इस तरह से अचानक? कल तक हम लोग कितने खुश थे और आज माँ। आप बस दुआ करें खुदा उन्हें जिंदगी दे। पापा घर ले जाओ। हेलो सबा। हाँ हम लोग घर आ रहे। तुम दोनों के फोन ऑफ आ रहे हैं, बताओ तो सही। के अस्पताल में फोन बंद रखे जाते हैं, आ रहे हैं ना? ओके। सबा तू पापा को घर ले जा। संभाले बैठे। सरमत ये सब कैसे? माम तो बिल्कुल ठीक थी, मगर डॉक्टर साहब को गलतफहमी भी तो हो सकती है। कैसी बातें करती हो सबा, ये कोई फिल्मी सीन नहीं है कि रिपोर्ट्स बदल गए, उनके टेस्ट हुए हैं, वो इंटेंसिव केयर में। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये शायद मैं यकीन करना नहीं चाहती। और वो क्या, माम को पता है? माम को पता चलेगा तो वो तो मर जाएगी। विलीप भाई का क्या हाल होगा और मीकू कहाँ है? मीकू सो गया, उसने बहुत परेशान किया होगा तुम्हें। नहीं लेकिन परेशान तो था, बहुत मुश्किलों से सोया है। सबा तुम पापा का ख्याल रखो, मैं वापस हॉस्पिटल जाऊंगा। नहीं सर, बस तुम सबा को घर छोड़ दो, इस हालत में इसे आराम की जरूरत है। हमारा गम तो बढ़ेगा, कम तो नहीं होगा ये। बस आपा अब तो बर्दाश्त चाहिए, खास तौर पे आपको, आपके सिवा उनके पास है कौन उनका ख्याल रखने वाला? सच कहते, हादसे का खौफ इंसान को मार देता है, हादसे से इंसान नहीं मरता, वो तो आकर गुजर जाता है। तुम सबा को घर छोड़ दो बेटा और फिर तुम वलीद के पास चले जाना,
और देखो मुझे एक एक पल की खबर देना, मैं सोऊंगी नहीं, मैं तो सो ही नहीं सकती। आप अपने आप को संभाल तो सकती हैं ना? मैं चेंज करके मीकू को देख लूं, तुम भी जाओ आराम करो। जान, हाँ इधर बैठो, बैठो मेरे पास, क्यों रो रहे? हाँ मामा कहाँ है? मैंने उन्हें जाते हुए देखा था। नहीं मेरी जान, मामा कहीं नहीं गई, मामा हॉस्पिटल में। तो फिर आंटी ने क्यों कहा कि वो आने वाली है? झूठ क्यों बोला मुझसे? और आप उन्हें क्यों नहीं लाए? वो तो आना चाह रही थी जान, लेकिन डॉक्टर्स ने मना कर दिया, अब सुबह आएंगी। आप झूठ बोल रहे हो, नहीं आएंगी। आ जाए बेटा, आ जाए, तुम दुआ करोगे ना? तुम्हारी दुआ ना जरूर सुनेगा, बस तुम दुआ करो कि तुम्हारी मामा ठीक होकर जल्दी घर आ जाए। हाँ
वलीद कम ऑन कुछ खा लो। सर मत प्लीज यार प्लीज कोई मूड नहीं। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है प्लीज कुछ खा लो। वलीद कम ऑन कुछ खा लो। तुम घर चले जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं मैं यही हूं प्लीज। नहीं तुम बार बार ये मुझे मत कहो कि घर चले जाओ। तुम कुछ खा लो प्लीज। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया मेरे भाई। हैव समथिंग टू ईट। कोई मूड नहीं। डॉक्टर साहब हमें तो समझ ही नहीं आ रहा उसे आज तक कोई बीमारी नहीं हुई। थोड़ा सा बुखार था और चक्कर आ रहे थे। मैं उसे अस्पताल ले आया। मुझे क्या पता था कि कैंसर निकलेगा। मिस्टर वलीद ये हमारी बहुत ही सीनियर मोस्ट डॉक्टर हैं। इनफैक्ट शी इज अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर फायजा। अच्छा देखिए लेट मी कम टू द पॉइंट। हमने माहम के सारे टेस्ट कर लिए हैं और ये अफसोसनाक खबर हकीकत है। देखिए हमें अंदाजा है आपके दुख का मगर 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 इलाज तो हो सकता है ना डॉक्टर साहब। साइंस इतना तरक्की कर चुकी है ये कैसे हो सकता है। मगर साइंस में आज भी मौत का इलाज नहीं हो सका। मिस्टर वलीद आपको बहुत पहले माहम को चेकअप करा के इलाज करा देना चाहिए था। डॉक्टर साहब अगर हम उसे बाहर ले जाएं तो। इस मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है मिस्टर वलीद। आखिर आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि जो इलाज बाहर हो सकता है वो यहाँ भी हो सकता है। फिर भी अगर आप अपनी तसल्ली करना चाहते हैं तो इनकी रिपोर्ट्स जहाँ दिल चाहे दिखा दें। नहीं डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं है कि मैं आप लोगों के एतबार में हूँ। दरअसल ये सब कुछ एकदम ऐसे अचानक यकीन नहीं आ रहा कि वहां इस तरह। ये सच है। दिस इज द फैक्ट। और इनफैक्ट हमने तो माहम को रूम में भी शिफ्ट कर दिया है। नाउ व्हाट आई वुड पर्सनली सजेस्ट इज दैट वी शुड टेल हर। हमें पेशेंट से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। सब ये नो नो। देखिए मिस्टर वलीद अगर कोई ताकत इनकी जिंदगी के दिन बढ़ा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इनका विल पावर है। एग्जैक्टली और अब ये वो जमाना नहीं है कि जहां मरीजों से सब कुछ छुपाया जाता है। दोस्तों मैं नहीं बता सकता उसे। मैं नहीं बता सकता अभी उसे। वलीद बताना पड़ेगा। अरे अरे मैडम आराम से लेटी रहो। क्या हुआ है मुझे? मुझे इतना बुरा चक्कर तो कभी नहीं आया। सर में इतना दर्द क्यों है? आपको नहीं पता आपको कैंसर है जो कि बहुत ज्यादा फैल चुका है। दवाइयां दे दी गई हैं आपको वो लेती रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आराम हो जाएगा। क्या हुआ? बैठो बैठो बैठो। चक्कर आ गया मुझे। डॉक्टर के पास चले? कभी कभी उठते बैठते पलटने से ना आ जाता है। ओके। सारा दिन घन चक्कर बनी घूमती रहती हो तुम। इतना भागना बंद कर दो। मेरे ख्याल में डॉक्टर के पास चलना चाहिए। नहीं आई एम ओके। एक चेकअप भी करवा लेते हैं। नो आई एम ओके। खामखाई में तुमने सबको परेशान कर दिया। डॉक्टर कह रहा था कि अगर
दवाएं सही टाइम पे लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे कैंसर है। सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। कितना वक्त है मेरे पास? कमरे में रहना चाहती हूँ। मामी को होगा, तुम होगे, आप होंगे। वलीद ठीक तो हो ना? उसे पता है कि उसे कैंसर है। उसे पता तो चल ही जाना था। ये बात हम उसे कब तक छुपा सकते थे? क्या उसे पता है कि अब वो मर रही है? जिस आदमी को पता हो कि वो मरने वाला है, वो उस अजियत में कैसे जी सकता है? वलीद, यहाँ हर इंसान यही सोच रहा है कि अपने चाहने वालों के बगैर कैसे जी सकता है। मौत उन्हें आ रही है और जर्दी उनके चेहरों पर फैली हुई है। इन मरीजों से पहले इन सबकी आंखों के गिरद हल्के गहरे होते चले जा रहे हैं, लेकिन ये हसीयत उनको सहनी पड़ेगी क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। क्यों है हम इतने बेबस? किस चीज की सजा मिल रही है हमें? मौत सजा नहीं होती, यह हर जिंदगी का अंजाम है। एक सबसे बड़ी हकीकत है और इसे कबूल करना पड़ता है। और जो जज्बाती होते हैं वो पागल हो जाते हैं। आई नो तुम बहुत दुखी हो, तुम इससे बहुत दुखी हो, मगर तुम्हें मीकू का सोचना है। She's okay ना? मुझे घर जाना है।
इस हालत में कैसे जा सकती हूँ? डॉक्टर साहब, मुझे घर जाना है। घर जाना? प्लीज ले जाइए। डॉक्टर साहब आप क्या कह रहे हैं? इसकी हालत तो देखिए, मैं कैसे लेके जा सकता हूँ इसे? इन्होंने सिर्फ दवाइयाँ खानी है, परहेज करना है और आराम करना है। That's it. She can do that at home. Thank you. Mr. Waleed, I'll be speaking to you in a while. थोड़ी देर में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जी सर। मैं यहाँ नहीं मरना चाहती। कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने घर में, अपने कमरे में रहना चाहती हूँ। वहाँ मीकू होगा, तुम होगे, आप होंगे। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब से मिल के आता हूँ, फिर हम घर चलेंगे। बस रुकैया, क्या बताऊं, कल से मेरा दिल फटा जा रहा है। हजारों लोग मरे हैं, दुखी हुई हूं, रोई भी हूं, मगर किसी का मरने से पहले नहीं पता चला, वो भी माहम का। पता नहीं, मेरा भाई तो बर्बाद हो जाएगा, पागलों की तरह चाहता है वो बीवी को। हाँ, ये गम अलग है कि बच्चे का क्या होगा, अभी तो उसे मां की जरूरत है। नहीं नहीं, मीकू को तो कुछ भी नहीं पता रुकैया, उसे पता चलेगा कि उसकी मां मर रही है तो अच्छा रुकैया, मैं फोन बंद करती हूँ, शायद माहम आ गई है, बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। मामा, मैंने पापा को कहा भी मुझे आपके पास ले आए, लेकिन बाबा नहीं लेके आए। मैंने आपको बहुत मिस किया। बच्चे हॉस्पिटल नहीं जाते ना बेबी। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। मीकू के साथ सार, आपा ने भी माहम को बहुत मिस किया। आज चलो लेके जाओ ध्यान से। हाँ। ये क्या, ऐसी हालत में इसे घर कैसे ले आए? वो आना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर्स इसकी हालत तो देखते। डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते हैं, दवाइयां वो घर पे भी खा सकती है जितने दिन भी हैं। क्या मतलब, माहम का इलाज? नहीं, कोई इलाज नहीं, बस वो खुश रहे अगर रह पाए तो। लेकिन कोई कोई उम्मीद नहीं। मैं हॉस्पिटल से कुछ दवाएं भिजवा दूंगा आपके लिए और मैं घर जा रहा हूं उसके बाद। ठीक। अब माहम, मीकू और वलीद का ख्याल आपको रखना है और आपको ये सब कुछ बहुत समझदारी से करना है, जज्बाती होकर नहीं। मम्मा आप कब ठीक होंगी? मैं ठीक हूँ मेरी जान। मीकू, डॉक्टर ने कहा है मामा जितना आराम करेंगी उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी बेटा,
तुमने मामा को बिल्कुल भी तंग नहीं करना। मामा कल आप स्कूल के लिए मुझे ड्रॉप करेंगी ना? पापा करेंगे तुम्हें स्कूल ड्रॉप, पापा ही तुम्हें पिक कर लेंगे। ठीक है, जैसे मामा रेस्ट करती जाएंगी उतनी ही जल्दी वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी पापा, मामा को तंग नहीं करूंगा। मैंने कहा था ना मेरा बेटा मुझे तंग नहीं करेगा। जी मामा आप सो जाएं। वैसे वो होमवर्क भी करना था, वो आप कब कराएंगी? बेटा आज पापा कराएंगे तुम्हें होमवर्क, कल ट्यूटर आ जाएगा तुम्हारे लिए, फिर वो करा दिया करेगा। ठीक है? ठीक है। चलो मामा को किस करो। तब भी कुछ ना होता, जब अलामत नजर आने लगती है ना तो इसका मतलब है कि मर्ज बहुत बढ़ चुका है। पहली बार दर्द होने पर ही चेकअप हो जाता तो अब सर दर्द होने पर कौन इतनी संजीदगी से चेकअप कराता है? और माम को अगर पता होता कि आई नो यार, वो डॉक्टर कहते हैं ना कि हर साल 6 महीने में एक चेकअप करा लेना चाहिए, जरूरी है। वलीद भाई का क्या हाल है? बहुत बुरा, उसने पूरी रात जाकर माम के सरहाने बैठकर गुजारी है बिना पलके झपके। उसे हर वक्त माम के मर जाने का खौफ था। और पता है उसकी नाक के पास बार बार हाथ ले जाकर देखता था कि उसकी सांस चल भी रही है। It's horrible. आ जाओ। पापा कैसी हैं आप? कैसा होंगी, मैं कहने आया था कि आप मीकू को देख लीजिएगा, वो माम को मिलने कमरे में आ जाएगा, उसकी नींद टूट जाएगी, उसे बड़ी हैवी दवाइयां खाई हुई हैं, फिर उसका पेन बढ़ जाता है। मैं देख कर आई हूँ उसे, मीकू सो रहा है और तुम्हें माम को अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। नहीं मैं तो आपको सिर्फ बताने आया था, मैं नहीं चाहता कि लोगों को पता चले माम की हालत का, घर पे आ जाएंगे और कोई नहीं आएगा, तुम जाओ।
the children noticed this immediately. Daisy's heart began to beat fast. Could they have found the right person at last? What are you doing here? We came to ask for a drink of water, said Larry. Wondering if he could possibly edge around to see if there was a tear in his gray coat anywhere. And we found out that we come from the same place that you lived in only a little while ago, said Daisy brightly. That's where I worked. Do you know that I worked for him, but nothing was every right. Nasty old man. We don't like him very much ourselves. Did you know there was a fire at his place the day you left? कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा आप। कैसी बातें करती हो माहम? तुमने ऐसा कभी भी कुछ नहीं किया। भी कुछ चला क्या? वलीद कहकर गया है कि उसे छोड़कर जल्दी वापस आ जाएगा। उसे स्कूल नहीं जाना चाहिए। दिन ही कितने रह गए मेरे पास। उसे मेरे पास होना चाहिए। मत करो ऐसी बातें। कुछ नहीं होगा। देखो देखो माम, मुझसे भी होते हैं। खुदा चाहे तो क्या नहीं हो सकता। मैं दिन रात तुम्हारे लिए दुआएं करती हूँ कि तुम्हें कुछ ना हो। बहुत बेहतर लग रही हो। तुमने आईना देखा है? नहीं देखना। पता, सबा भी कह रही थी कि माहम बहुत बेहतर होती जा रही है। मुझे लगता है कि मेरे दिमाग को किसी ने जकड़ लिया है। मेरी सांस पर किसी की गिरफ्त बहुत मजबूत होती जा रही है। नहीं मां, खुदा से मायूस नहीं होते। नहीं मायूस होते। मीकू पहुंच गया होगा ना स्कूल? पहुंच गया। उसको लंच बॉक्स दिया था? दे दिया था। मीको पिज्जा खाएगा दोपहर में। तुम कुछ खाओगी? कुछ ही चाह रहा है। देख के मेरे रोंटे खड़े हो गए। ऐसे लग रहा था जैसे मौत हमारे करीब बैठी है। क्या हो रहा है? तमीज नहीं तुम्हें? जाओ यहाँ से। इस तरह से तुम उसे जिंदगी का नहीं बल्कि आने वाली मौत का एहसास दिला रहे हो। इंसान खुद को तब्दील करता है, हालात के मुताबिक ढालता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ वलीद के उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने दी।
धूप में साया खुशियों का रास्ता था वो, नींद की चादर थी ख्वाबों का तकिया वो, सोचों में पल पल ये अब जो नहीं है वो, ये कैसी मुश्किल है।